का भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 19 खेला जा रहा है और शुरुआत में बारिश आई थी। काश वो बारिश कंटिन्यू हो गई होती। खैर, अभी मुकाबला जो है खत्म नहीं हुआ है भारत के लिए। स्कोर बहुत अच्छा लगा दिया भारतीय टीम ने, लेकिन ये स्कोर जो है सेकेंड इनिंग में प्रेशर प्रेशर बिल्ड करने वाला स्कोर नहीं है। ये फर्स्ट इनिंग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन सेकेंड इनिंग में जब सामने वाली टीम को पता होता है कि आपको 120 बॉल में सिर्फ 120 रन बनाने हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कृष्णा भाई। कृष्णा भाई, डर लग रहा है अब मेरे को, दिल देखो, धक डर धक की हो रहे बात ना। तो पहले ही था। जब टॉस हुआ था ना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये मैच बॉलिंग करने वाले पहले जीतेंगे। पहले ही बोल चुका था कि भाई टॉस या इंडिया जीते, टॉस या पाकिस्तान जीते, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ हमेशा ये रिकॉर्ड रहे कि चेज करने वाली टीम मैचेस ज्यादा जीती है। हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है, यहाँ की पिचेस का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आप जब खेल लेते, ऋषभ पंत खेल रहे थे तो 160 160 कमेंटेटर बोल रहे थे कि 160 बन जाएंगे तो बहुत सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा। 140 यहाँ का बेस्ट स्कोर है। बिल्कुल बिल्कुल। जीएफएक्स तो हम जीएफएक्स दिखा देते भाई। आप इनके किंग हैं, आप सूर्य कुमार को दिखाइए ना, सूर्य कुमार को दिखाइए। सूर्य कुमार ने क्या मारा भाई? सूर्य कुमार ने 8 बॉलों में 7 रन, जिसे एक चौका बस ऑनली, ये सूर्य कुमार का रिकॉर्ड है। ये सूर्य कुमार, यही वो सूर्य कुमार है जो मैच बदल देते हैं भाई। ये आईपीएल के किंग है क्या? ये छोटी टीम के किंग है क्या? इतना बड़ा बिल्कुल प्लेयर, इतना बड़ा नाम, और बस बड़ी मैचेस में हमेशा सूर्य कुमार आउट हो जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हो गए थे, इस मैच में आउट हो गए थे। 8 बॉलों में 7 रन, इतना तो भाई आप अक्षदीप से सीख लो भाई। अक्षदीप बैटिंग करके गया है इतना तो। आज के मुकाबले में अक्षर पटेल ने अच्छी थोड़ी बल्लेबाजी की। 18 गेंदों में 20 रन उन्होंने लगाए। तो वही हमारे हीरो, आज भारतीय बल्लेबाजी के हीरो रहे ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। ऋषभ पंत ने 31 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली, 135 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 6 चौके लगाए। भाई कृष्णा भाई, ऋषभ पंत भी न्यूयॉर्क में ही खेल रहे थे या डेलस में खेल रहे थे? भाई वो कहीं भी खेले, वो उनका मैच गेम, उनका माइंडसेट एक ही रहता है कि भाई मुझे मारना है। सूर्य कुमार किस चीज का प्रेशर ले रहे थे? हार्दिक पांड्या आए, किस चीज का प्रेशर में थे? चलो प्रेशर था। और यहाँ पर क्या, ये रविंद्र जडेजा जो बहुत बड़े बेस्ट ऑलराउंडर है भाई, इनका क्या रोल है? ये क्या माही भाई के लिए खेलते हैं क्या? यहाँ पर सारे सवाल उठने चाहिए भाई। तुम आईपीएल में इतना अच्छा खेलते हो, इतना अच्छा करते हो, तो फिर बड़े मैचेस में क्यों नहीं कर पाते हो? सवाल उठना चाहिए। टीम इंडिया हमेशा बड़े मैचेस में, पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई हार कोई उम्मीद ही नहीं करेगा यार। ये मैच तो जीता हुआ मैच था। आप अच्छे खासे बॉलिंग बैटिंग सेटअप चल हो गया था आपका। खैर, अभी जो है ये मुकाबला भारतीय टीम ने गवाया नहीं है। जरूर पीछे जरूर हो गई है भारतीय टीम, लेकिन अभी इतने जल्दी हार तो खैर देखिए रोहित शर्मा भी नहीं मानेंगे, और अभी हमारे पास भी बहुत अच्छी गेंदबाजी है। जसप्रीत रोहित बुमराह शर्मा का गेंदबाजी एक करेंगे। ये हमेशा रहता है, रोहित शर्मा प्रेशर बहुत जल्दी ले लेते हैं। रोहित शर्मा के को फेस पे दिख जाएगा आपके, अगर स्टार्ट में 6 ओवर में 1 2 विकेट नहीं गिरे तो रोहित शर्मा बहुत प्रेशर में आ जाएंगे और टीम इंडिया पूरी प्रेशर में आ जाएगी। मैं बात करना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव की। यहाँ पर 8 बॉलों में 7 रन भाई, बड़े मैचेस में कौन सा बड़ा मैच आप मुझे दिखाओ इतिहास में कि बड़ा मैच में भाई इन्होंने खेला। वर्ल्ड कप अभी खेलेंगे जब टीम इंडिया बाहर जाएगी या सुपर 8 से बाहर जाएगी, ये स्कॉटलैंड के साथ होता, यही आयरलैंड के खिलाफ होता, तो रोहित शर्मा खुद इनको रोहित की विराट की जगह भेज देते और वही वहां पर वो यहाँ पर मारते 30 बॉलों में 100 रन। इनका ये रिकॉर्ड बिल्कुल होता सूर्य कुमार यादव का, आपको पिछले वर्ल्ड कप का याद हो सकता। क्या विराट कोहली का फॉर्म आपको थोड़ा डरा रहा है? क्योंकि पहले मुकाबले में भी बल्ला नहीं चला, इस मुकाबले में भी बल्ला नहीं चला। मुझे लेकिन लगता है मुझे कि लगता है कि इनका विराट उनका कोहली पर ही क्यों हर हर उनका बार। मनोचित नहीं चेंज करना चाहिए था रोहित शर्मा को। ये प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं करना चाहिए बड़े मैचेस में। यशस्वी जायसवाल को लेके आए हैं, यशस्वी जायसवाल के साथ ही ओपनिंग जाने चाहिए उनको। बनडौन के बैट्समैन है तो बनडौन पे ही विराट कोहली को आना चाहिए। अगर आप विराट कोहली को ओपनिंग के लिए लाए तो फिर यशस्वी जायसवाल के लिए क्यों लाए? फिर उनको लाना ही नहीं था।
बिल्कुल, देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मुकाबला, या यू कहे पहला ही मुकाबला खेला जा रहा है। पहला इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है वो सही मायनों में टूर्नामेंट की शुरुआत वहां से होती है, और इस मुकाबले में टॉस जो है कप्तान बाबर आजम ने, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बिल्कुल सही फैसला था, और उस फैसले को नसीम शाह, हारिस रौफ, मोहम्मद आमिर, तमाम जो गेंदबाज है, खास तौर पे जो पेसर्स हैं, उनने सही साबित किया। एक वक्त पता है कृष्णा भाई, दो बार, एक वक्त दो बार हैट्रिक पर आ गई थी पाकिस्तान की टीम। भाई ये था आज के मैच में, अगर ये विकेट नहीं खोते तो मुझे लगता है 160-170 आराम से बन जाते। पंत वो खेल लेते, अच्छा पंत को क्या करना पड़ा, पंत हमेशा अपना अपना गेम खेल लेते, लेकिन क्या सामने से भी तो उनको मदद मिलनी चाहिए, सामने से नॉन स्ट्राइक से कोई उनके साथ ही नहीं दे रहा था। और अकेला बैट्समैन क्या करेगा भाई, अकेला तो भाई विराट कोहली थोड़ी ना है कि भाई हर मैच को आपको जिता के देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ चलो ठीक, कोई नहीं तो विराट कोहली है, विराट कोहली तो अपना आउट होके चले गए थे, फिर आपको ही संभालना था ना। चार चार ऑलराउंडर खेल रहे हैं आपके, जिसमें दो एक ही ऑलराउंडर ने रन मारे, बाकी तीन का क्या? आपके शिवम दुबे नहीं चले, आपके हार्दिक पांड्या नहीं चले, वो तो अच्छा अक्षर पटेल शिवम, ने नंबर, देखो ऑलराउंडर की जगह किस लिए बनाई थी, इसीलिए बनाई गई थी ना। आपने दो स्पिनर, बेस्ट स्पिनर नहीं खिलाए, हालांकि ये देखो पिचेस के हम पहली बात कर चुके हैं, पेसर के लिए पिच बहुत बेटर है, अच्छी है, उसको मदद मिल सकती है, और पेसर को मिला भी। यहाँ पर रविंद्र जडेजा की बात कर ले भाई, रविंद्र जडेजा ने एक बॉल पर 0 रन, क्या भाई पुश कर रहे थे बॉल को, हिट करना था। ऐसा लग रहा था जैसे टहला रहे गेंद को, ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी फील्डर को कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे। आए दोनों दोनों ऑलराउंडर बॉल को रोकने के चक्कर में आउट हो गए, और दोनों डर डर लगातार। की वजह से। ये यार, ये हमारा रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर भाई, इससे तो अच्छा यंग प्लेयर पे हमें भरोसा, हमें सीनियर प्लेयर पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ बात देखिए नसीम शाह की भी होनी चाहिए। नसीम शाह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की पाकिस्तान के लिए, 4 ओवर इन्होंने करे, और मैच को अगर देखे किसी, अगर किसी एक गेंदबाज ने बनाया तो वो नसीम शाह ही थे। 3 विकेट उन्होंने लिए, 4 ओवर का उनका स्पेल रहा, 5.20 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की। मोहम्मद आमिर के नाम ये जो 2 विकेट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दोनों विकेट बहुत बड़े विकेट है, एक ऋषभ पंत का विकेट और उसकी अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा का विकेट। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। लेकिन सबसे ज्यादा निराश जो है वो सूर्य कुमार यादव ने किया है। बाकी सूर्य बल्लेबाजों की अगर कुमार आप बात यादव करें, ने आपको वर्ल्ड कप में हमेशा निराश करते हैं। सूर्य कुमार यादव अगर यही मैच होता, अभी देखो ये मैच स्कॉटलैंड से होता, ये मैच आयरलैंड के होता, तो सूर्य कुमार यादव रन मारते, और लेकिन इनका पहला मैच भी सूर्य कुमार का, तो वो भी नहीं चलेते भाई उसमें, तो फिर सूर्य कुमार का रोल क्या है भाई, काहे के मैच फिनिशर भाई, ये फ्यूचर देख रहे हैं, मैं क्या चाहूंगा बोलना दर्शक चाहोगे जो इसमें? हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि आपको आज सबसे ज्यादा किसने निराश किया। मेरे लिए अगर आप देखेंगे तो मेरे लिए वो नाम है सूर्य कुमार यादव, और मुझे लग रहा है कि कृष्णा भाई जिस तरीके से आप एग्रेसिव होके सूर्य कुमार यादव पर एकदम दिल खोल के बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद आपके लिए भी सूर्य कुमार यादव ही है वो नाम जिसने आपको सबसे ज्यादा निराश किया आज। क्या आप सब हम दोनों से सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई सूर्य कुमार यादव तो ठीक है, इसने भी निराश किया या उसने भी निराश किया। जैसे अंतिम गेंद पर क्या हार्दिक पांड्या, अपने हार्दिक पांड्या पर खैर मैं बात ही नहीं करना चाहता, हार्दिक पांड्या पर नहीं बात करना चाहता। मतलब यार आईपीएल 2024 में मतलब इतना ज्यादा उनको ट्रोल कर दिया। मैं आज वही देख रहा था, आज एक वीडियो मैच के बीच में उनका, वो जो खिलाड़ियों के जो इंटरव्यूज वगैरह नहीं होते जो बीच बीच में होते हैं, जो प्ले होते हैं बीच बीच में, वही मैं देख रहा था, तो उसमें वो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मतलब हंस के बात कर रहे थे लेकिन आंखों में उनके गम थे। और
ऐसा नहीं है कि भाई खेलते अच्छा नहीं है, अभी खैर उनको गेंदबाजी मिलेगी, हो सकता है गेंदबाजी से वो अच्छी गेंदबाजी कर ले। बट हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, तीन ओपनर आपके नहीं चाहते, ओपनर बोल रहा हूँ, तीन ऑलराउंडर्स आपके नहीं चले कृष्णा भाई, सिर्फ एक ऑलराउंडर चला और वो भी बस 20 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अगर वो 20 रन भी नहीं देखो होते तो 100 रन भी शायद ना बनते। मैं बात करना चाहता हूँ प्लेइंग 11 की। हमेशा क्या करती है टीम इंडिया, जब एक प्लेइंग 11 से मैच जीत जाती है तो वो दूसरे बड़े मैचेस में बदलाव नहीं करती है, और यही खामी हमें वर्ल्ड कप 2023 में देखने को मिला। आपने हार सूर्य कुमार यादव को खिलाया, और यही खामियां हमें इस वर्ल्ड कप में भी मिल सकती हैं। हमेशा रोहित शर्मा को एक प्लेइंग 11 जो मैच जिता रही है उसके साथ नहीं जाना है। आपको जो भरोसेमंद खिलाड़ी हैं आपको उनके साथ प्लेइंग 11 में चेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान भी इमाम वसीम को लेके आए ना, इससे पहले यूएस के खिलाफ जब हारे थे इमाम वसीम नहीं थे। तो ये किसने किया, विराट कोहली भाई ओपनर आते हैं 3 बॉलों में 4 रन, एक चौका मार के चले जाते हैं, स्ट्राइक रेट 133 का। चलो स्ट्राइक रेट तो तब बात करते ना जब रन ज्यादा बनते, एक चौका मारे थे वो चले गए। स्टार्टअप रोहित शर्मा को देखो, रोहित शर्मा का भी सेम है ऋषभ पंत की तरह। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो 4 ओवर 29 रन, और भाई 7 की इकोनॉमी से, ये 0 विकेट रहे क्या इनके, 1 विकेट रहा इनका, सॉरी 1 विकेट एक इनको विकेट मिला रहा है था। शाहीन शाह अफरीदी के नाम। जी, शाहीन शाह लेकिन मैं अफरीदी का भी बात हाल मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह जैसा ही है। प्रेशर वो बनाते हैं और काम जो है मलाई खाने का जो काम है वो दूसरे गेंदबाज ले जाते हैं, नहीं, जैसे आज हमने देखो देखा। मोहम्मद आमिर की ये तो चीज खासियत है। मोहम्मद आमिर जब बॉलिंग करते हैं, जब हमेशा रिकॉर्ड अच्छा भी रहा इंडिया के खिलाफ उनका, मोहम्मद आमिर का, नसीम शाह का, दोनों का। अजय आपकी आवाज म्यूट हो गई है, अजय जी अजय मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नहीं आ रही आपको मेरी आवाज? हाँ जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी बोलिए बोलिए। आप शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और इन सब की बातें कर रहे थे, जी, मैं शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नसीम शाह की, सॉरी नसीम शाह की बात कर नसीम रहा शाह था। की बात कर रहे थे। नसीम शाह और मोहम्मद आमिर दोनों के रिकॉर्ड टीम इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, आंकड़े बहुत अच्छे हैं। हमेशा उन्होंने ही मैच, देखो चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले तो पूरा चैंपियन ट्रॉफी मोहम्मद आमिर बड़े विकेट लेके चले गए और चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, और यही काम किया इन्होंने नसीम शाह। नसीम शाह के वर्ल्ड कप में भी रिकॉर्ड अच्छे थे, वो तो अच्छा हुआ जी नसीम शाह वर्ल्ड कप में, देखो 2023 के वर्ल्ड कप में चोटिल हो गए थे, जिन्होंने कितने ब्रेक थ्रू दिए थे। आपको याद है एशिया कप में भी नसीम शाह ने टीम इंडिया को धराशायी किया था। बिल्कुल। यंग नसीम शाह प्लेयर बहुत है, यंग प्लेयर है और बड़े मैच के प्लेयर है, जैसे हम जैसे लगातार ऋषभ पंत के लिए ये बात कहते हैं कि भाई बड़े मैच का प्लेयर है, जैसे हम जसप्रीत बुमराह के लिए कहते हैं बड़े मैच के प्लेयर है, वैसे ही नसीम शाह के लिए भी कहा जाता है कि भाई वो बड़े मैच के प्लेयर है और हर बड़े मैच में वो अपनी टीम के लिए वो काम करते हैं। देखो हार्दिक, सॉरी ऋषभ पंत के साथ क्या, ऋषभ पंत चलेंगे तो बहुत चलेंगे, उनका यही है कि भाई कब आउट हो जाए उनका कुछ पता नहीं। वो सारे शॉट्स, उनको 3 4 ऑप्शन मिले भी थे,